हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज है और बहुत जल्दी लोगों को इफेक्ट होना शुरू हो गया है। मुझे पास मैसेजेस आ रहे हैं, इसकी वजह से मैं अभी से ये रीडिंग डाल रही हूँ। 20th को फुल मून इन पाइशेस है, तो उसका इफेक्ट्स क्या है वो मैं आज बताने की कोशिश कर रही हूँ। जो लोग न्यू है चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाले, लेकिन प्लीज़ कॉल मत कीजिए, ओनली मैसेजेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत सारी गाइडेंस भी देने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। और ये फुल मून इन पाइशेस की क्या इम्पॉर्टेंस है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। आज मैं फ्रेंड्स जो भी रीडिंग कर रही हूँ वो सिर्फ ओरेकल कार्ड से कर रही हूँ, ना कि टैरो कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ। ओनली ओरेकल कार्ड्स मेरे पास जो है, उनमें से कुछ ओरेकल कार्ड्स की रीडिंग कर रही हूँ। कम्युनिटी आ रहा है, तो हो सकता है आप लोगों के घर में या आपके डीएम के, आपके पार्टनर के घर में कुछ, मुझे कुछ है ना सेलिब्रेशन जैसा होते हुए दिख रहा है, या कोई है ना किसी लड़की की शादी स्पेशली दिखाई दे रही है। तो उसमें हो सकता है कि मुझे उसका कुछ प्रिपरेशन चालू है, ऐसे कुछ लग सकता है। या हो सके आपके कम्युनिटी में ऐसा कुछ सेलिब्रेशन हो, मुझे ऐसे लगता है, जो आपके आपके डीएम से भी रिलेटेड हो, मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन कॉन्ट्रैक्ट और हैप्पी फैमिली का कार्ड आ रहा है। इसे वुमन होल्डिंग अ कॉइन आ रहा है, मतलब इसमें ये समझ रहे कि ये 42 नंबर का कार्ड है, तो लव का कार्ड है ये। 42 नंबर में 6 नंबर का कार्ड होता है। वुमन होल्डिंग का कार्ड होता है, मतलब एक अर्थ एनर्जी है। कुछ लोग, मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सी एनर्जीज है। आप लोगों को मैं अभी भी बता देती हूँ, कोई भी कार्ड्स की रीडिंग करते से ऑलमोस्ट सारे तरह के कार्ड्स खुलते हैं। जैसे अगर पेंटिकल्स खुल रहे तो अर्थ साइन होते हैं, कप्स खुलते हैं तो वाटर साइन होते हैं, और जैसे है ना ये सब ऐसे सॉर्ड्स खुलते हैं तो फायर एनर्जी होती है। तो ये सब कार्ड्स खुलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे सब एनर्जीज है। तो इसमें इतने, और ये सब के लिए कॉमन हो, जिसके लिए आपकी रीडिंग रेजोनेट होती है, मतलब वो रीडिंग आपके लिए है। आप इतने साइन कॉन्शियस मत होइए। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, मुझे लग रहा है काफ़ी लोग, मतलब ये जो अर्थ एनर्जी वाले हो या कोई भी एनर्जी के हों, क्योंकि आपकी सबको सबके अंदर पांचों तत्व तो होते ही है, तो आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी जिस पे नहीं थी, बहुत जल्दी आप है ना विचलित हो जाते थे या अपने आप को काम नहीं कर पाते, तो अभी आप ये फुल मून के बाद में आप खुद को देखो कि आप काफ़ी काम होने लग गए हो, आप खुद को ग्राउंड करने लग गए हो। बहुत जल्दी आप कोई भी चीज़ से विचलित नहीं होते हो, अफेक्टेड नहीं होते हो, आपकी एनर्जीज ग्राउंड होना शुरू हो जाएगी। आपके पर्सन की भी ऐसी होगी, जिस तरह से पहले वो रिएक्ट करते थे अब वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जिस तरह से आप पहले देन एक कॉन्ट्रैक्ट, शादी, कमिटमेंट, ये सब आपके माइंड में डेफिनेटली है, लेकिन ये एक आपको इतना स्ट्रांग कॉन्फिडेंस आ जाएगा ये फुल मून के बाद में, कि आपको लगेगा कि नहीं, मेरा तो यूनियन होगा ही, मेरा तो शादी होगी ही। आपको कंप्लीट पिक्चर दिखाई देने लग जाएगा। हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी आओ, या काफ़ी लोगों के पार्टनर आके उनको कमिटमेंट दे भी दे, मुझे बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है। क्योंकि इसमें देखो 6 नंबर फिर 4 नंबर, ये भी सब लॉन्ग टर्म परमानेंट नंबर का कार्ड है। 4 नंबर कभी भी देखिए, 4 ऑफ वैंड्स का जैसे कार्ड है, तो ये परमानेंट यूनियन का कार्ड होता है, परमानेंट शादी का कार्ड होता है। तो ये सब कार्ड आपकी एनर्जी खोल रही, तो आपको ये एक श्योरिटी मिल जाएगी। हो सकता है आपका ये 3D लेवल पे आने लग जाए, जो सिर्फ 5D में आपको दिखता था, अभी 3D में आपका ये कॉन्ट्रैक्ट और ये हैप्पी मैरिज आपको दिखने लग जाएगी ये फुल मून से या फुल मून के बाद में। और ये फुल मून इन पाइशेस है, तो मतलब इसमें वाटर एनर्जी डेफिनेटली, तो इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं, क्योंकि ये है ना एक तो हम लिब्रा की तरफ जो बढ़ रहे हैं, अक्टूबर में बढ़ रहे हैं, तो अक्टूबर सीजन की तरफ, तो जस्टिस भी होते हैं। तो हो सकता है आपके इमोशंस में बहुत बैलेंस होना शुरू होंगे, अभी आप जो बैलेंस नहीं कर पाते थे अब बैलेंस होंगे, क्योंकि आपका ये देखो इसमें बैलेंस का कार्ड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है, ये बैलेंस का कार्ड भी एक तरह से, तो आपके इमोशंस बैलेंस होने लग जाएंगे, आप अपनी एनर्जीज को समझने लग जाओगे, पर्सन की एनर्जी को समझने लग जाओगे, आपको दिखने लग जाएगा 3D में सब कुछ कि ऐसा होने वाला है मेरे साथ में, ये सब चीज़ आपको दिखने वाली है। और ये जो फुल मून इन पाइशेस है, इसको हार्वेस्ट मून भी बोलते हैं। हार्वेस्ट मून मून क्यों बोलते हैं हार्वेस्ट फुल मून, क्योंकि ये हार्वेस्ट फुल मून के बाद में मोस्टली जो किसान लोग होते हैं वो लोग अपनी क्रॉप को है ना हार्वेस्टिंग के लिए तैयार करके उनको उसको अंदर ना फसल काटने के लिए तैयार होते हैं ये 1 महीने के अंदर। तो इसके लिए इनको पता है कि हमारी हमने जितनी मेहनत की है, जितना हमने बीज बोए हैं, जितना हमने इस धरती पे हमने मेहनत की है ये फ्रूट उगाने के लिए, तो अब उसका फल लेने का टाइम आ गया है। तो ये इसको बोलते हैं हार्वेस्ट फुल मून।
तो आपने भी जितनी इनर शुद्धिकरण की है, इनर वर्क किया है आपने बहुत टाइम से, तो ये आपका भी हार्वेस्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है ऐसे बोल सकते हो। आपको उसके फ्रूट्स मिलना शुरू होंगे, हो सकता है किसी की जॉब लगे, किसी को प्रमोशन मिले, किसी को फैमिली में बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनना शुरू हो जाए, क्योंकि ये सब चीज़ आपके होंगे। स्पिरिचुअल आपको अबंडेंस मिलना शुरू हो रहे हैं, और ये सब अबंडेंस आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं तो उनका कंप्लीट हार्वेस्ट पीरियड आ गया है यूनियन के लिए ऐसे बोल सकते हो। और जो लोग स्टार्टिंग स्टेजेस में है तो उनको ये सब अबंडेंस मिलेगा, लेकिन हार्वेस्ट पीरियड है तो किसी ना किसी को सब कुछ, किसी ना बेनिफिट तो होगा ही आप लोग को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग को बेनिफिट नहीं होगा। फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रेफियल आ रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा भी एक्टिवेट हो सकता है। किसी के पर्सन का जो हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था तो वो अभी वो हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा, क्योंकि उनको पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से ही निकलने की प्रॉब्लम से बाहर निकलने का ही रास्ता नहीं सोचता, तो हार्ट चक्र के एक्टिवेट करेंगे। अब वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, कुछ भी है, उन सब से वॉकआउट कर रहे हैं, वॉकआउट मतलब बाहर निकल रहे हैं। उनको अगर सब प्रॉब्लम है, अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप वो सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ये हार्वेस्ट मंथ है, फुल मून इन पाइशीज आ रहा है ना, हार्वेस्ट फुल मून बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ आपके साथ में इस मंथ में आगे वाले आने वाले मंथ में होने वाली है। प्लस लिब्रा का मंथ है तो इसमें आपको जस्टिस भी ही मिलेगी, ऐसे नहीं कि जस्टिस नहीं मिलेगी। बोल सकते हो कि जस्टिस आपका एक तरह से वेट कर रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि ये बंदा या बंदी ने बहुत मेहनत कर ली भाई, अब इसको जस्टिस नहीं देंगे तो लोग हमको नहीं मानेंगे, इस तरह से मुझे लग रहा है आप लोगों का। तो जस्टिस आपको मिलने के बहुत स्ट्रांग चांसेस है इसमें। फाइन बैलेंस में बोल रहा हूँ ना, आपका बैलेंस आ रहा है, फाइन बैलेंस इस मंथ में आपका बैलेंस डेफिनेटली होगा। आपकी जो भी एनर्जीज है, वो जो आपके इमोशंस रन हाई हो रहे थे अभी बहुत ज़्यादा मैं बोल रही थी, वो बैलेंस होंगे इस फुल मून के बाद में। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम भी करने वाले हो, आपके पर्सन बहुत डे ड्रीम करने वाले हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और डिसीजन लेने वाले हैं कि हाउ टू नर्चर दिस रिलेशनशिप, मतलब इस रिलेशनशिप को आगे नर्चर कैसे किया जाए और हील कैसे किया जाए। मतलब हीलिंग तो हो रही है, देखो चेन्स ब्रेक हो रही है तो हील तो डेफिनेटली हो रहे हैं। स्टार कार्ड भी बोल सकते हो, तो डेफिनेटली आपके स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं ऐसे बोल सकते हो। तो ये हीलिंग एक प्रोसेस चालू है, एक डे ड्रीमिंग आप भी बहुत कर सकते हो, और एक जो सन भी उग रहा है तो इसमें बहुत सब चीज़ पॉजिटिव कार्ड्स बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। हार्वेस्ट मून है बोल रही, तो हार्वेस्ट आपको उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब फ्रेंड्स हम बोलो बोलते कितने लोग हमारी नेगेटिव एनर्जी हमारे पे अटैक कर रही है। नेगेटिव एनर्जीज अटैक करती है, बहुत ज़्यादा अटैक करती है, लेकिन आपने सुना ना समुद्र मंथन करते हैं, तो समुद्र मंथन में क्या होता है, जब तक ना दानव और भगवान दोनों मिलके जब तक मंथन नहीं करते तब तक मंथन नहीं हो सकता है। तो इसीलिए नेगेटिव एंटिटीज़ की भी ज़रूरत होती है ना मंथन में, वो नेगेटिव एंटिटीज़ को इसलिए लाया जाता है कि आपके मंथन में वो हेल्प कर रहे हैं आपको। जब तक वो आपके ऊपर नेगेटिव अटैक नहीं करेंगे, आपके अंदर की बुराइयां बाहर निकलेंगी नहीं, आपके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, वो सोच रहे उनको भी एक सेटिस्फेक्शन दिया जा रहा है कि वो आपके नेगेटिव अटैक कर रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं, लेकिन वो नेगेटिव अटैक से आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी आ रही है, आपके अंदर जो भी सपोज बॉडी पेन बहुत आ रहा है, फीवर आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है आपको, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही है, तो वो सब चीज़ जो ब्लॉकेज है वो सब नेगेटिव एंटिटी को अटैक करने से बाहर निकल रही है। लेकिन आपको कुछ और नुकसान नहीं पहुंचे, इसलिए गॉड और एंजल्स आपके बाजू में रहते हैं ताकि आपको कुछ नुकसान नहीं हो, आपको प्रोटेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों से, इसीलिए आपको डरने की बात नहीं है। इसलिए समुद्र मंथन करते वैसे आपका अंदर का इनर शुद्धिकरण चालू होता है। इनर शुद्धिकरण में एक गॉड और एंजल्स के साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप और आपके पर्सन दोनों जन पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे, तो पास्ट है वो किस तरह से बिहेव करते थे, मैं बार बार बोल रही हूँ, वो एनर्जी को लेट गो करिए। सपोज अभी आपसे बराबर बात नहीं कर रहे तो उसको भी इतना तवज्जो मत दीजिए। आप एक प्रोसेस, आपके खुद का सोल, आप सोचे कि हाँ कि शायद मैं किसी में बिजी होंगे या किसी चीज़ की प्रॉब्लम में होंगे, इतना ज़्यादा सोचना ही नहीं है सब चीज़ें, सोचना ही भी नहीं है, मैं तो बोलती हूँ सोचिए भी मत। Prosperity lies ahead. New moon in Taurus, ऐसे बोलते हो सकते आपके बोलते ना, ये न्यू मून के बाद में, ये फुल मून के बाद में आपकी एक प्रॉस्पेरिटी आपका वेट कर रही है ऐसे बोल सकते हो। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर ऑफ मून में आपको कुछ एडजस्टमेंट हो सकते हैं, करना पड़े, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ऐसे बोल रहे हैं। फुल मून एक्लिप्स, फुल मून आपको बोल रहे हैं कि आपको ऐसे लगता है ना कंक्लूजन्स नहीं
रहेंगे, ये रिलेशनशिप का कंक्लूजन कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये आप सोच दिमाग से निकाल दीजिए। कंक्लूजन डेफिनेटली आपको मिलेंगे, आपको एकदम ऐसे बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग क्लोजर मिलेगा, मतलब क्लोजर मतलब एक पॉजिटिव क्लोजर इस रिलेशनशिप का, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कुछ ऐसा आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो क्लोजर है इस रिलेशनशिप, ऐसा नहीं है कि क्लोजर नहीं है। तो आप नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए, ऐसे मैं आपको बोल रही हूँ। हो सकता है आपको गिफ्ट, आपका गिफ्ट पेट के 17 नंबर का कार्ड है आपके लिए। ये मंथ आने वाला न्यू मून या फुल मून, सॉरी आने वाला फुल मून आप लोग के लिए गिफ्ट लेके आने वाला है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, एक नया नई अपॉर्चुनिटीज आप लोग का वेट कर रही है। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मैं बोल रही हूँ जो लोग इनिशियल स्टेजेस पे है तो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड इनकम है, और जो लोग सपोज बहुत लास्ट स्टेज ऑफ इनर वर्क पे हैं, सरेंडर स्टेज में कम्प्लीटली, तो उनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड इनकम बोल सकते हो, उनके लिए एक रीयूनियन बोल सकते हो आप, और एक आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है एक नई जर्नी डेफिनेटली स्टार्ट होगी, और ये मैसेज आपको मिलेगा आपके पार्टनर से फॉर श्योर। इस मंथ में काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है, लोगों को मैसेजेस मिल सकते हैं अपने पर्सन से, या कुछ तरह का उनको उनसे आपको यकीन, एक बोलते ना एक स्ट्रॉन्ग यकीन आपका भरने वाला है कि मेरा रीयूनियन होने वाला है। ये मंथ में आपको ये फीलिंग आ सकती है, मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि जितना इनर वर्क आपने किया, जितना शुद्धिकरण आपने अंदर किया है, उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। देखो इनसाइट, आपके इनसाइट्स और आपका गॉड आपको बोल रहे हैं आपके अंदर थर्ड आई चक्र इसमें एक्टिवेटेड है, अपने अंदर जो आंसर्स नहीं मिल रहे, जो लोग चक्रा नहीं कर पा रहे तो वो एटलीस्ट मेडिटेशन तो करें, कम से कम मेडिटेशन से भी आपको आंसर मिलते हैं। शांत भाव होके बैठ जाइए, खाली आधी घंटा 15 मिनट के कम, एटलीस्ट 15-20 मिनट्स बैठिए अकेले में, और आंखें बंद करके देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है, उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि ऑब्जर्व आंसर्स नहीं मिलेंगे, प्रोटेक्शन आपको एंजल्स का, गॉड का, सबका प्रोटेक्शन है। अगर आपके नेगेटिव अटैक्स हो भी रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन है, मैं आपको बोल रही हूँ, वो नेगेटिव अटैक्स नेसेसरी है, क्योंकि समुद्र मंथन जैसे करते हैं वैसे नेगेटिव एंटिटीज़ की भी जरूरत होती है, दानव की भी जरूरत होती है, उसी तरह से आपके लिए गॉड और दानव दोनों मिलकर आपका ये अंदर का शुद्धिकरण कर रहे हैं, ऐसे आप बोल सकते हो। तभी आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका और आपके पर्सन का, और आपको स्पिरिचुअल क्वेस्ट, तभी आप अपने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, तभी आप वो जर्नी पे आगे बढ़ पाओगे, समझ रहे हो। आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगा, आपके समाज में एक नाम होगा, ऐसे बोल सकते हो। तो ये सब गॉड्स आपको बोल रहे हैं। फिर भी एक और एक एंजल आंसर्स भी देख लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स। देखो आपने बोला लेट, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एंजल्स क्या बोलो, लेट गो करें, आप पहले सरेंडर स्टेज में आइए, तभी आपका यूनियन होगा। आपको सरेंडर करना पड़ेगा, एकदम कंप्लीट सरेंडर में आना बहुत ज़रूरी है। पता है ये हम नहीं भूल सकते कि हमारे पार्टनर के साथ में कब यूनियन होगा, वो अंदर रहती है, लेकिन पूरे टाइम खाली उसके बारे में नहीं सोचना है कि कब होगा कब होगा कब होगा, ये ऐसे नहीं करना है, उसको लेट गो कर दीजिए। पता है होगा, होने वाला है, हो गया, ऐसे सोच करके अंदर में आपको फील होगा कि हाँ मेरा यूनियन हो चुका है। आपको नो नीड टू वरी बोल रहे हैं, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सक्सेस आपका वेट कर रही है, और अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिलने वाली है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आपकी अपॉर्चुनिटी खुद दरवाजे पे चल के आएगी आपके सामने। ओके फ्रेंड्स, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।